और यहाँ हम मटर कीमा आलू भी बना रहे हैं। इसके लिए हमने ये ऑयल में प्याज डाल दी है, इसको लाइट ब्राउन करेंगे। और हमने ये मटर वो आलू ले लिया है और ये मटर ले लिया। मटर जो है आजकल बहुत सख्त हो रही है, सख्त आ रही है, तो हमने इसको बॉयल करके पहले से ही गला लिया है मटर को। ये प्याज भी लाइट ब्राउन हो गई है, अब हम इसमें कीमा शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। ये लहसुन अदरक और टमाटर शामिल करेंगे और सारे स्पाइसेस शामिल करेंगे। पीसी मिर्चें, सावा धनिया और हल्दी, थोड़ा नमक शामिल करेंगे। इसको मिक्स करेंगे और इसको ढक के रख देंगे टमाटर गलने तक, फिर हम इसकी भुनाई करेंगे। ये देखें ये भून चुका है, ऑयल ऊपर आ गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के 10-15 मिनट के लिए कीमा गलाएंगे, फिर हम इसमें आलू और मटर शामिल करेंगे। पानी शामिल कर दिया, अब हम इसे 10-15 मिनट के लिए रख देते हैं। ये 15 मिनट हो गए हैं, अब हम इसमें आलू शामिल करेंगे। डालेंगे पानी शामिल करेंगे। मटर तो हमारी गली हुई है, बस आलू और गलेंगे, इसको 10-15 मिनट के लिए और पकाएंगे। ये ऊपर से डालेंगे। थोड़ा गरम मसाला डालेंगे। कैसा लगा आप सबको? कीमा मटर आलू रेडी है। अल्लाह पाक आपके और हमारे खाने में खूब बरकत अता फरमाए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।